नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक बताता हूं और अगले दिन हमें एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। काफी कुछ सीखने को मिलता है दो स्टॉक में। मैंने आपको फ्राइडे के दिन आज मंडे के लिए दो स्टॉक प्रोवाइड किए थे। चलिए देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आज उन्होंने कैसा मूव किया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूं अपने पहले स्टॉक, मैंने आपको जो पहला स्टॉक बताया था वो था इंडिगो का। देखिए इंडिगो को मैंने आपको सेल बताया हुआ था 1242 रुपए के नीचे। आप देख सकते हैं 9:15 की पहली कैंडल है, इसने ओपन किया 1245 रुपए पर। आज का डे का लो भी इसका 1245 रुपए का रहा, यानी कि स्टॉक ने हमारे सेल साइड को कहीं भी एक्टिवेट नहीं किया। इस स्टॉक में आपको बाय बताया हुआ था 1256 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस था हमारा 1246 रुपए का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 1256 रुपए के हमारी बाय कॉल को एक्टिवेट किया। उसके बाद इसने हाई लगाया यहाँ पर आगे जाकर 1282 रुपए का। हमारा जो अंतिम टारगेट था 1286 रुपए का था। देखिए स्टॉक एक अच्छे बुलिश पैटर्न में रहा, ओवरऑल यहाँ पर इसने हाई लगाया, देख सकते हैं आप इसने 1300 को भी टच किया। हालांकि 3:15 कैंडल में इसने 1300 को भी क्रॉस कर दिया, लेकिन हम 3:15 की कैंडल को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। तो आप लाइक के बटन को जरा जोर से दबाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको इस स्टॉक की मूवमेंट कैसी लगी। नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली। दोस्तों मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था बजाज ऑटो को। देखिए बजाज ऑटो को आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल है, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, मुझे इस चार्ट को 1 मिनट का करना होगा थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बजाज ऑटो को कर दिया है 1 मिनट की कैंडल। देखिए यहाँ पर दो बातें होती हैं, मैंने इसको आपको बाई बताया होता 2965 रुपए के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसने 9:15 की पहली कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल इसने ओपनिंग दी 2970 रुपए पर। देखिए यहाँ से एक गैप अप ओपन हुआ, वहीं से स्टॉक नीचे आ गया। तो हमारी यहाँ पर बाई कॉल एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक ने सस्टेन जरा सा भी नहीं किया। वैसे तो अगर मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँ, हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए मैंने इस स्टॉक में आपको सिर्फ बताया हुआ था 2948 रुपए के नीचे। फर्स्ट टारगेट था हमारा 2938 रुपए का, इस कैंडल ने लो भी लगाया 2938 रुपए का, लेकिन मैं यहाँ पर इस कॉल को एक्टिवेट नहीं मानूंगा, क्योंकि आप लोग इसमें एंट्री ही नहीं बना पाए होंगे। उसके पहले स्टॉक नीचे गया और फिर अगले क्षण इसने ऊपर आ गया। तो इस तरह से हमारी इस कैंडल में कोई भी बाई या सेल की कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। आगे जाकर देखिए आप देख सकते हैं आगे की कैंडल में यहाँ पर हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हुई। देख सकते हैं यहाँ पर 9:18 की कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपने अगेन एंट्री ली होगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं फिर मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर आगे इसने जाकर हाई लगाया 2990 रुपए का। हमारा जो सेकेंड टारगेट था 2985 का था, काफी इजिली हमारा सेकेंड टारगेट कुछ ही क्षणों में डन हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको बात करूं आपको 9:15 की कैंडल करके कि हाँ इसने इस स्टॉक में कितना हाई लगाया, तो मैं आपको 9:15 की कैंडल करके फिर दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टॉक ने आगे जाकर हाई लगाया 3012 रुपए का। हमारा जो सारे के सारे हमारे टारगेट को इसने अच्छे से डन किया, एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस तरह से हमारे दोनों स्टॉक सक्सेसफुल रहे। वीडियो को लाइक करते चलिएगा और नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताते चलिएगा, ताकि आपसे कोई भी आपकी जो राय है वो मुझे मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। आपके लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैं आपके लिए जो कल के लिए ट्यूजडे के लिए जो दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। क्या आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं लाइव मार्केट में इंट्राडे की अच्छी अच्छी कॉल पोस्ट करता रहता हूं, उससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे लेवल कैश लेवल होते हैं और ये सारी कॉल्स मैं एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूं। तो आप वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए, ताकि आप भी इंट्राडे में एक अच्छी ट्रेडर बन पाए। और कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग एंड सेलिंग में सलाह नहीं देता हूं, सिर्फ आपको अपना ओपिनियन बताता हूं। तो आप इन स्टॉक को आप देख से सीख सकते हैं, आप चाहें तो आप पेपर ट्रेडिंग भी करके धीरे धीरे सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक है कल के लिए वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए जो पहला स्टॉक सिलेक्ट किया वो है अजंता फार्मा का। देखिए अजंता फार्मा में एक अच्छी बुलिश पैटर्न आज देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ से शुरू से एक अच्छे बुलिश पैटर्न में रहा, आगे जाकर यहाँ पर इसने फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ और इसने फ्लैग पैटर्न भी अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी हुई है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा, एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है अभी इस स्टॉक में। 1 से 1.5% मुझे बढ़त इसमें काफी आसानी से देखने को मिल रही है। हालांकि ये मूवमेंट मार्केट पर डिपेंड करता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है, अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्यों निकलता है फ्लैग को ब्रेक करके, तो एक सेल साइड देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं जनता फार्मा के कौन से लेवल निकल कर आए हैं।
तो दोस्तों अजंता फार्मा को हम बाय करेंगे 991 के ऊपर। स्टॉप लॉस हमारा 982 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 999 का सेकंड टारगेट, 1008 का अंतिम टारगेट होगा, 1016 का। अगर अजंता फार्मा नीचे को निकलेगा तो उसको सेल करेंगे। 980 के नीचे स्टॉप लॉस हमारा 989 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 972 का सेकंड टारगेट, 963 अंतिम टारगेट होगा, 955 का। ये था पहला स्टॉक। अब चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया है वो कौन सा है। दूसरा हमारा जो स्टॉक है हैवेल्स का, देखिए हैवेल्स एक रेंज बाउंड पैटर्न में है। ये पूरा स्टॉक देखिए यहाँ पर शुरू के तीन कैंडल को छोड़ तो स्टॉक पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा। इसने एक यहाँ पर रेंज बना ली है, जिस भी तरफ कुछ रेंज को ब्रेक करेगा एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बस इसमें आपको अपने लेवल को वेट करना है और जब सस्टेन करके उस तरफ को ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छी साइड देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हैवेल्स को बाय करेंगे 747 के ऊपर। स्टॉप लॉस हमारा 741 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 753 का सेकंड टारगेट होगा, 759 का अंतिम टारगेट, 765 का। अगर हैवेल्स नीचे क्यों निकलेगा तो सुन सेल करेंगे 740 के नीचे। स्टॉप लॉस हमारा 746 का हमारा फर्स्ट टारगेट, 734 अंतिम टारगेट, सॉरी सेकंड टारगेट, 728 का अंतिम टारगेट, 722 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लिया होगा। अगर कोई आपकी राय है तो नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।